बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूँगी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खैर आबाद होंगे और सलामत होंगे। वेलकम टू अवर चैनल QHU TV। आज की वीडियो का आगाज़ भी हम इन प्यारे प्यारे फूलों से करेंगे। आज की हम वीडियो बना रहे हैं इस पौधे पे जिसको हम प्रीविंकल भी कहते हैं, विंका भी कहते हैं और सदाबहार भी कहते हैं। उम्मीद करूंगी कि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप लोग अपडेटेड रहें। एंड लेट्स गेट बी स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं जिस पौधे के बारे में आपको बताऊंगी वो है सदाबहार, देसी सदाबहार का पौधा है ये। ये देखें इसके फूल इतने खूबसूरत। वैसे तो इसमें सदाबहार में विंका भी है और उसमें काफ़ी कलर आते हैं, जैसे येलो, पिंक, रेडिश, वाइट। मेरे पास जो है ये पर्पल है, ये देखें देसी सदाबहार है। व्यूअर कहते हैं कि इसको मेडिकली भी बड़ा वो करते हैं, इसके पत्तों में फूलों में शफा है, तो वो तो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन इसका फूल बड़ा खूबसूरत है। ये देखें ज़रा, मैंने तो सिर्फ फूलों के लिए इसको ग्रो किया हुआ है। ये पौधा आपको अपनी नज़दीकी नर्सरी से इजीली मिल जाएगा और एक दफ़ा आप ले आएँ तो देखें ये इसके सीड्स हैं, ये सीड खुद ही गिरा देता है और ये खुद ही ग्रो होते रहते हैं। ये देखें ये सीड है इसका, तो ये जब ये पक जाता है तो खुद ही ये गिर जाता है। और मैंने तो काफ़ी देर से ये लगाया हुआ है तो नए नए होते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसको बेहतर है कि यहाँ से पंच करते रहें, फिर ये ज़्यादा बुशी हो जाता है पौधा। तो व्यूअर देखें ये इसमें और भी उगे हुए हैं छोटे छोटे प्लांट। ये देखें व्यूअर देखें ये छोटे छोटे प्लांट इसमें और भी ग्रो हुए हुए हैं। ये देखें ये खुद ही बीज गिराता है और खुद ही ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। मैंने नहीं, खुद से नहीं मैंने ग्रो किया, ये खुद ब खुद ही ग्रो हो जाते हैं। और व्यूअर अब मैं आपको इसकी व्यूअर क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ कि आपको इसे कहाँ रखना है। वैसे तो ये सनलविक प्रोग्राम प्लांट है तो इसको सर्दियों की तो धूप में ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, सर्दियों में तो सारा दिन ये धूप में रखा रहे, लेकिन गर्मियों में इसको 2-3 घंटे की धूप सुबह की मिल जाए तो बाकी दिन ये शेड में रहे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना इसके पत्ते बर्न होने शुरू हो जाते हैं धूप से। सारा दिन की धूप जो लगेगी तो इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे। मतलब आप इसको पार्शल शेड में रख दें, सायेदार कहीं रख दें, दरख्तों का साया हो या ग्रीन नेट के अंदर रख दें इसको, जैसे बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनके नीचे इसको रख दें, ये वहाँ बड़ा खुश रहता है। अब मैं आपको इसकी सॉइल का बताती हूँ। सॉइल में इसके वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट सैंड मिट्टी मिला के, तो नरम सी मिट्टी बना के उसमें इसको ग्रो करें तो ये बड़ा अच्छा चलता है उसमें। अब मैं आपको इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। फर्टिलाइज़र इसको महीने में एक दफ़ा ही देना है। कौन सा देना है, ऑर्गेनिक केमिकल नहीं देना है। केमिकल क्यों नहीं देना मैं बताती हूँ। केमिकल वक्ती तौर पे तो आपके पौधे को ग्रो कर देगी, लेकिन बाद में वो आपके पौधे को ख़राब कर देगी। जो आपने डाला हो ऑर्गेनिक वो सब खराब हो जाएगा व्यूअर्स, इसलिए आप इसको ऑर्गेनिक दें। लिक्विड भी दे सकते हैं आप, दूसरी भी दे सकते हैं, गोबर खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट ये दे सकते हैं व्यूअर्स। मैं तो इसमें ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट देती हूँ या मैं और वो लिक्विड खाद भी दे देती हूँ, क्योंकि लिक्विड खाद हमेशा मेरे पास होती है, बनी हुई होती है, तो मैं पानी में डालकर मिक्स करके वो मैं देती रहती हूँ इसको। मैं आपको वो भी इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर बताऊँगी। अब हम आते हैं पानी की तरफ, पानी इसको कैसे देना है और किस तरह देना है। सर्दियों में तो व्यूअर 3-4 दिन इसको ना दो पानी, लेकिन गर्मी में मस्ट है इसको एक दफ़ा ज़रूर पानी दें और इसके पत्तों को धो दें। पत्ते धोने से इसके पत्ते शाइनिंग करते हैं, पत्ते पौधों के लाजमी धोया करें एक दफ़ा दिन में। व्यूअर अब मैं इसके पॉट के बारे में आपको बताती हूँ। पॉट
पॉट इसका जो है ना वो मिट्टी का होना चाहिए या प्लास्टिक में आप लगा सकते हैं। सीमेंट में तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि सीमेंट जो है ना वो सूरज की तपश को जज्ब कर लेता है और उससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। सीमेंट का तो पॉट बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, उम्मीद है इसके बारे में, इस पौधे के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।